नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खरौंधी बाजार में एक सप्ताह में चोरी की तीसरी घटना। शनिवार के रात्रि में संजय वस्त्रालय दुकान से लगभग 2.25 लाख की चोरी। चोरी की घटना बढ़ने से व्यवसायियों तथा जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। अब समाचार विस्तार से न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। खरौंधी बाजार में चोरी की घटना तेजी से बढ़ने पर व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। बाजार परिसर में चोरी की घटना पर रोक नहीं लगने पर आक्रोशित व्यवसायियों तथा जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। शनिवार की रात्रि में अज्ञात चोर ने बाजार के कोन मोड़ संजय वस्त्रालय से कीमती कपड़ा तथा लगभग 2.25 लाख रुपये नकद चोरी कर लिया। चोरी की जानकारी होने पर दर्जनों व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधि दुकान पर आ गए। सूचना पर थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी ने SI निरंजन सिंह को दल बल के साथ घटनास्थल पर भेजा। चोरी की घटना लगातार बढ़ने पर आक्रोशित कई व्यवसायियों ने पूरे दिन दुकान बंद रखा। व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का उद्भेदन करने तथा चोर पर कड़ी कार्रवाई करने का मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों के मांग पर थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाते हुए जल्द चोरी की घटना का उद्भेदन करने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी का आश्वासन के पश्चात मामला शांत हुआ, लेकिन कई व्यवसायियों ने पूरे दिन अपने दुकान को बंद रखा। सूचना पर BDO रविंद्र कुमार ने भी दुकानदार से मिलकर घटना की जानकारी लिया। दुकानदार संजय शाह ने दुकान में चोरी का आवेदन थाना प्रभारी को दिया। वहीं व्यवसायी ने भी चोरी का उद्भेदन करने तथा चोरी पर अंकुश लगाने का आवेदन थाना को दिया। दुकानदार ने क्या कहा? संजय शाह ने बताया, शनिवार को साप्ताहिक बाजार था। शनिवार तथा पिछले एक सप्ताह का कपड़ा का बिक्री का पैसा लगभग 2.25 लाख रुपए जमा करके रखे थे, ताकि रविवार को जब महाजन तगादा करने आएगा तो उसे दे देंगे। शनिवार को बाजार समाप्त होने पर सारा पैसा को मिलाकर बक्सा को कपड़ा में छुपाकर शाम लगभग 9 बजे घर चला गया। सुबह घर से दुकान आकर खोला तो देखा कि दुकान में कपड़ा बिखरा हुआ है और बक्सा गायब है। दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर दुकान में घुसकर चोरी किया है। व्यवसायी क्या कहते हैं? दर्जनों व्यवसायियों ने कहा, प्रखंड में पिछले एक माह से चोरी की घटना तेजी से बढ़ी है। 10 दिन पूर्व नवाडी में एक घर में 25 बकरी की चोरी हो गया। उसके दूसरे दिन रात्रि में रामाशंकर जायसवाल के घर में अज्ञात चोर ने घर में घुसकर चोरी कर लिया। पिछले शुक्रवार को महेंद्र साहब के दुकान में चोरी हो गया। आज संजय साहब के दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। जिस तरह बाजार में चोरी की घटना बढ़ा है, सभी व्यवसायी असहज महसूस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा? विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, विसूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार अजक, सांसद प्रतिनिधि राम खिलावन पासवान, जीप सदस्य धर्मराज पासवान, मुखियापति कृष्णा प्रसाद, देववंश गुप्ता, रामप्रीत गुप्ता, सुनील रोशन, बाबूलाल पासवान आदि ने बताया, जिस तरह दिन प्रतिदिन खरौंधी में चोरी की घटना बढ़ा है, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन को चोरी की घटना का उद्भेदन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। अगर प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं करती है तो बाध्य होकर व्यवसायियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन क्या कहते हैं? इस संबंध में थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी ने बताया, जब से पुलिस को चोरी की सूचना मिला है उसी समय से प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आपको मैंने दुकान में कैसे आए तो पता चला कि चोरी हुआ है? हम घर से लगभग 8:30 बजे अपना दुकान शटर खोले। शटर खोलने के बाद देखे कि हमारा पूरा सामान बिखरा हुआ था। बक्सा में लगभग 2,25,000 रुपया था और बक्सा ले जाके दुकान से अंतिम में और बक्सा तोड़ कर 2,25,000 रुपया ले गया और उसमें कुछ नोट 100-200 रुपया गिरल है नीचे। इसके बाद केवाड़ी पीछे केवाड़ी है, केवाड़ी को चादर उनार कर घुस कर तब हमारे दुकान में प्रवेश किया है और पीछे मैंने पीछे से घुसा है। पीछे से घुसा है। अच्छा, यहाँ जो चोरी हो रहा है अब तक कितना चोरी हो चुका है? लगभग हमको समस्या 5-7 घर चोरी हो चुका है। अभी शायद परसों जो है महेंद्र साहब के दुकान में चोरी हुआ था। महेंद्र साहब के परसों चौथा चोरी हुआ है, इसके बाद हमारे यहाँ चोरी हो गया। आप मैंने क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन के लापरवाही के चलते
हमारा दुकान में पूरा पूरी चोरी हुआ है, पर प्रशासन कोई देख रेख नहीं कर पा रही है और लगातार दिन प्रतिदिन चोरी होते जा रहा है। अब एकदम इससे हम लोग एकदम खलबला गए हैं। लगभग हमारा दुकान का प्रकलन राशि 2,25,000 रुपया कैश था, कल बाजार का दिन था और पूरा दुकान का बेचा हुआ पैसा था और सब पैसा गायब हो गया, लेके चला गया चोर। मैंने प्रशासन से आप चाहते हैं ना कि वो चोर पकड़ाए, आपका राशि जो चोरी करके ले गया वो बरामद हो? हम यही मैंने गुंजाइश कर रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा जो प्रकरण राशि 2,25,000 गया है वो हमारा कम से कम वापस मिल जाए। घटना लगातार बढ़ रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? क्रिकेट में चोरी घटना लगातार बढ़ रहा है, इस आज उसी के तहत आज भी संजय गुप्ता के मकान में दुकान में चोरी हुआ, जो पीछे से घुस करके, उसमें थाना प्रभारी भी आए हैं। थाना प्रभारी महोदय द्वारा कहा जा रहा है यहाँ के सभी लोगों का कहना था, हम लोग आंदोलन करने के लिए बात हो जाते। थाना प्रभारी महोदय जी 48 घंटा के लिए टाइम यहाँ के व्यवसायी से, जनप्रतिनिधि से लिए हैं कि 48 घंटा के अंदर हम इस चोरी का मामला को उद्भेदन करके आपके बीच में रखेंगे। यदि 48 घंटा के अंदर मामला कुछ भेदन नहीं होता है तो पूरे व्यवसाय के साथ हम लोग बाजार बंद करेंगे, और तब तक हम लोग बंद रखेंगे जब तक यह मामला का उद्भेदन नहीं हो जाता।